खुदावन के पाकलाम में से पहला ग्रंथी उसका 6वां, क्या तुम में से कोई जुर्रत ये जुर्रत है कि जब दूसरे का मुकदमा हो तो फैसले के लिए बेदीनियों के पास जाए और मुकदसों के पास ना जाए? क्या तुम नहीं जानते कि मुकदस लोग दुनिया का इंसाफ करेंगे? बस जब तुमको दुनिया का इंसाफ करना है तो क्या छोटे से छोटे झगड़ों के भी फैसले करने के लायक नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम फरिश्तों का इंसाफ करेंगे तो क्या हम दुनियावी मामले फैसला नहीं करेंगे? बस अगर तुम में दुनियावी मुकदमे हों तो क्या उनको मुसन्नफ मुकर्रर करोगे जो कलीसिया में हकीर समझे जाते हैं? मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए ये कहता हूँ, क्या वाकई तुम्हें एक भी तना नहीं मिलता जो अपने भाइयों का फैसला कर सके? बल्कि भाई भाइयों में मुकदमा होता है और वो भी बेदीनियों के आगे। लेकिन दरअसल तुम्हें बड़ा नुक्स ये है कि आपस में मुकदमाबाजी करते हो, जुल्म उठाना को क्यों नहीं बेहतर जानते, अपना नुकसान क्यों नहीं कबूल करते, बल्कि तुम यही जुल्म करते और नुकसान पहुँचाते हो और वो भी भाइयों को। क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे, फरेब ना खाओ ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, ना बुतप्रस्त और ना जनाकार, ना अयाश ना लौंडेबाज, ना चोर ना लालची ना शराबी ना गालियां पकने वाले ना जालिम। और बाज तुम में ऐसे ही थे भी, मगर तुम खुदावन यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से ढल गए और पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे। सब चीज़ें मेरे लिए रवायत तो हैं मगर सब चीज़ें मुफीद नहीं। सब चीज़ें मेरे लिए रवायत तो हैं लेकिन रवायत तो है लेकिन मैं किसी भी चीज़ का पाबंद ना होऊंगा। खाने पेट के लिए हैं और पेट खानों के लिए, लेकिन खुदा को उसको और उनकी नसीहत करेगा, मगर बदन हरामकारी के लिए नहीं बल्कि खुदावन के लिए है और खुदावन बदन के लिए। और खुदा ने खुदावन को भी चलाया और हमको भी अपनी कुदरत से चलाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन मसीह के अज़ा हैं? बस क्या मैं मसीह के अज़ा लेकर किसी के अज़ा बनाऊँ? हरगिज़ नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई किसी से जब्त करता है वो उसके साथ एक तन होता है? लेकिन वो फरमाता है कि वो दोनों एक तन होंगे, और जो खुदावन की जब्त में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। हरामकारी से भागो, जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर है, मगर हरामकार अपने बदन का भी गुनाहगार है। क्या तुम